नमस्कार, मैं जेबा, बुंदेलखंड न्यूज 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। झांसी के चिरगांव थाना पुलिस ने पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव समेत 150 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ मारपीट और उपद्रव करने का मामला दर्ज किया है। बताते चले कि 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए पर्चे भरने के दौरान कई स्थानों पर हंगामा और बवाल हुआ है, जिसमें बुंदेलखंड का झांसी भी शामिल है। झांसी के चिरगांव ब्लॉक की ड्यूटी कर रहे निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने चिरगांव थाने में लिखित शिकायत करते हुए बताया कि वह पुलिस कोर्स के साथ भांडे चुंगी पर बैरियर के पास ड्यूटी कर रहे थे, तभी समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव समेत लगभग 150 लोग वहां पहुंचे और नामांकन कक्ष की ओर जाने लगे। शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने उन्हें रोका तो वे आक्रोशित हो गए और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट करने लगे, जिस पर पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर बितर कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ धारा 147, 332, 353, 188, 323, 504 और 506 व 7 CLA एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही। मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। आपको बता दें कि कल नामांकन के दिन कुछ लोगों के द्वारा अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया गया, तो तत्काल पुलिस के द्वारा जो विधिक कार्रवाई थी संपन्न करवाई गई, समझाया बुझाया गया। उसके उपरांत जो लोग नहीं माने तो फिर जो न्यूनतम बल प्रयोग का सिद्धांत है उसके तहत लोगों को तितर बितर किया गया।